You're watching Today Express News. सर एक व्यापारी के बेटे के अपहरण का मामला है, क्या है? ये हमें 16 तारीख को सूचना मिली थी लड़के के माँ बाप की तरफ से कि उनका लड़का शाम को ट्यूशन पढ़ने जाता है, जो आज काफ़ी रात बीत गई है, वो घर पे नहीं लौटा है। तो इसके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज किया और CIA NIT बड़खल और CIA पुलिस हेडक्वार्टर दोनों इंस्पेक्टर्स की हमने टीमें तैयार की और इसके ऊपर हमने लगा दिया। तो इसमें जो लड़के का जो अपना मोबाइल फ़ोन है उससे ही मैसेज आ रहे थे कि भाई 4 लाख रुपया भेज दो। तो पहले उन्होंने बदरपुर बॉर्डर पर 4 लाख रुपए मंगवाने के लिए सूचना दी, उसके पश्चात फिर उन्होंने एम्स के ऊपर पैसे मंगवाने के लिए कहा, वहाँ दोनों जगह इन्होंने पैसे नहीं पकड़े। तो इन्होंने फिर तीसरी बार ISBT पर वहाँ पर पैसे देने के लिए कहा, परंतु वहाँ भी ये पैसे नहीं पकड़ पाए। फिर इन्होंने UP में एक्सप्रेसवे पर, नोएडा में और आनंद विहार बस स्टैंड पे डिफरेंट लोकेशन पर पैसे मांगने के लिए इन्होंने कहते रहे, परंतु ये डर की वजह से कहीं भी पैसे नहीं पकड़ पाए। अल्टीमेटली हमारी जो टीम्स हैं इन्होंने इनको 48 घंटे के अंदर अंदर डिफरेंट लोकेशन से बरामद कर लिया। जैसे दो आदमियों को बुलंदशहर से बरामद किया, एक को NIT से बरामद किया और एक जो खुद इसमें लड़का था उसको मेट्रो ट्रेन के अंदर से बरामद किया। कैसे आया सर ये आइडिया, कैसे आए लोगों के दिमाग में, पता क्या होगा? ये कहीं फिल्में जो आजकल बच्चे देखते हैं और जो माहौल बना हुआ है, रोज समाचार पत्रों में भी इस तरह के किस्से काफ़ी आते हैं, तो उनसे देख कर इनको ये आइडिया आया। बच्चा कौन सा छात्र है और वो लोग कौन है? वो इसी के दोस्त ही हैं लड़के के, तो इन्होंने दोस्तों ने ही मिलकर ये प्लानिंग बनाई थी कि उन्होंने कहीं बाहर घूमने जाना था, तो इसलिए उन्होंने 4 लाख की डिमांड की थी कि हम ये पैसे मिल जाएंगे इकट्ठे कहीं घूम कर आएंगे। तो पुलिस ने 48 घंटे में मामले को ट्रेस कर दिया, बड़ी इसमें अच्छी कामयाबी है। क्या कहना चाहेंगे उन माँ बापों के लिए जो बच्चे ऐसे करते हैं? उनके माँ बाप के लिए तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप आजकल अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा चेक रखें, क्योंकि जो प्रेजेंट माहौल है उसमें बच्चे बिगड़ते ज़्यादा हैं। तो माँ बाप की प्रॉपर बच्चे को ब्रीफिंग और उसको समय समय पर उसको गाइड करना बड़ा जरूरी है। ये +2 के छात्र हैं सभी, सभी हाँ सभी स्कूल हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मामले में टीम जो है ये CIA NIT बड़खल और CIA 30 हेडक्वार्टर। इसमें एक हमारे IPS अधिकारी जो कि अंडर ट्रेनिंग है उनको भी हमने साथ लगाया हुआ था, ताकि एक IPS ऑफिसर को भी पता लगे कि हमारी जो ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस काम करती है वो कितनी दिलचस्पी लेके, कितनी मेहनत लेके और कितने उसमें जो डिफिकल्टीज आती हैं, कैसे फीस फेस की जाती हैं। वरुण सिंगल इंस्पेक्टर अपना जितेंद्र और विमल।